मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास 5th ईएमई चैप्टर नंबर 12, दैट इज व्हाट इज इट, दिस विल बी फिनिश्ड राइट। लास्ट लेक्चर पार्ट 2 तक हमने 6th क्वेश्चन तक किया था कि जो ट्रैफिक रूल्स है राइट, तो ट्रैफिक रूल्स में क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो पहले हमने सीखा कि साइड लाइट अच्छे से बतानी पड़ेगी राइट, अदरवाइज जो पीछे व्हीकल है उनको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सी साइड पे जाना है राइट। दूसरा है कि अगर साइड लाइट करेक्ट बतानी पड़ेगी राइट, आपको लेफ्ट जाना है तो राइट नहीं, राइट जाना है तो लेफ्ट नहीं, फिर हमें हमेशा रोड की लेफ्ट साइड पे ही चलाना चाहिए राइट। मुझे आवाज आ रही है प्लीज, हमेशा रोड के लेफ्ट साइड ही हमें चलाना चाहिए राइट। फिर हॉस्पिटल है, स्कूल है, उन सबके नजदीक में हमें ज्यादा हॉर्न नहीं बजाना चाहिए क्योंकि स्कूल में छोटे बच्चे पढ़ते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, तो उनकी आवाज उन तक नहीं पहुंचती है राइट। एंड हॉस्पिटल में जो मरीज है वो मरीज को अगर इतनी ज्यादा वॉइस होगी तो नॉइज होगी तो उससे उनकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट हो सकती है, या उनको मुश्किल से नींद आती है तो अगर वो सो गए हैं तो उनको डिस्टर्बेंस होगा राइट। तो हमें हॉस्पिटल है या ऐसी कोई पब्लिक प्लेस है वहाँ पे हमें नहीं गाड़ी का हॉर्न नहीं बजाना चाहिए राइट। ये सारी चीजें हमें याद रखनी है, और जो लिमिटेड स्पीड है उतने तक जाना चाहिए। अगर जहाँ पे ट्रैफिक है तो हमें ज्यादा स्पीड में नहीं जाना चाहिए क्योंकि हम स्पीड में जा रहे हैं, हमारे सामने वाले बेचारे का उसका कोई वो दोष नहीं है, फिर भी शायद उस व्हीकल में किसी की मम्मी है, किसी की दादी है, किसी के पापा है राइट, उनको नुकसान हो सकता है, हाथ पैर टूट सकते हैं, किसी का छोटा बच्चा है राइट। तो हमें जो लिमिटेड स्पीड है उस ऊपर से जाना है, ओके, ज्यादा स्पीड में नहीं जाना है। लेट्स सी नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इज कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन योर एरिया, आपको आपके एरिया में देखना है राइट। फिर दूसरा है कि सेव फ्यूअल मेक इट अ हैबिटेट राइट। तो फ्यूअल हम किस किस तरीके से हमें हेल्प करता है, तो एक तो ड्राई क्लीन के लिए राइट, फिर फॉर लाइटिंग के लिए, फिर एज अ फ्यूअल कार, ट्रैक्टर, एरोप्लेन के लिए, एज अ कैरोसिन एंड एलपीजी राइट, टू रन द मशीन को रन करवाने के लिए, एंड फॉर मेकिंग प्लास्टिक एंड पेंट्स राइट। पेंट्स एंड प्लास्टिक में भी स्पिरिट यूज होता है राइट, तो उसमें हमें फ्यूअल की जरूरत है राइट। तो फ्यूअल किस तरीके से हमें हेल्प करता है, तो फॉर क्लीनिंग के लिए, जो उन्होंने यहाँ पे ऐसा एक पोस्टर देखा राइट कि फ्यूअल है वो हमें ड्राई क्लीन में यूज होता है, लाइटिंग में होता है, फिर जो ट्रांसपोर्ट की जितनी भी चीज व्हीकल है उनमें यूज होता है, एलपीजी केरोसिन में यूज होता है राइट, मशीन को रन करने में यूज होता है, प्लास्टिक एंड जो पेंट्स है उसमें यूज होता है राइट। तो वेर इज फ्यूअल यूज, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछे तो हमें क्या लिखना है, ये सारी चीजों में फ्यूअल यूज होता है ओके। फिर कौन कौन से व्हीकल को रन करने के लिए फ्यूअल की जरूरत है राइट, तो ट्रैक्टर, बस ओके, तो जो बड़े बड़े लेवल पे जो ट्रैक्टर है या जेसीबी है या ऐसे, तो उन सबको रन करने के लिए हमें डीजल की जरूरत है, बट जो छोटे इंजन वाले व्हीकल है जैसे कि टू व्हीलर है राइट, उन सबको, कार है, उन सबको रन करने के लिए हमें किसकी जरूरत है, हमें पेट्रोल की जरूरत है राइट। machine, fly planes in the sky,
हु इज मोर यूजफुल टू पीपल देन आई इफ नॉट यूज्ड विद केयर आई वोंट ऑलवेज बी देयर विल दे फाइट विदाउट मी What is life without me, right? ये सब पेट्रोल बोल रहा है, right? कि मैं कौन हूँ बताओ चलो पेट्रोल एंड डीजल बोल रहे हैं right? फ्यूअल बोल रहे हैं आई एम बैग आई एम थिक आई फ्लो हु एम आई डू यू नो तो पेट्रोल एंड डीजल ओके लॉन्ग टाइम अगो मतलब पहले के जमाने में वुड फॉर चूल्हा ओके तो पहले के जमाने में वुड यूज करते थे चूल्हे को जलाने के लिए राइट right? चूल्हे को जलाने के लिए क्या यूज करते थे वुड यूज करते थे राइट दुर्गा लिव्ड इन अ विलेज इन हरियाणा दुर्गा लिव्ड इन अ विलेज इन हरियाणा ओके दुर्गा कहाँ पे रहती है एक विलेज में इसका नाम है हरियाणा एवरी डे सी स्पेंट मेनी आवर्स कलेक्टिंग वुड फॉर द चूल्हा स्टोव राइट तो वो क्या करती है वो पूरे दिन वुड को कलेक्ट करने में लगा देती है Her daughter also had to help her in this. उसकी बेटी है वो भी पूरे हरियाणा मतलब पूरे उनका जो छोटा सा विलेज है उसमें से वुड कलेक्ट करने में उसकी हेल्प करती है For the past 3 years, she had a cough, right? उसको कफ था There was a lot of smoke when damp wood was burned, right? क्यों उसको कफ हुआ क्योंकि वो लोग रोज वुड लेके आते थे और वुड जला के और फिर उसमें से ही वो खाना पकाते थे राइट स्टोव में नीचे वुड जला के ही खाना पकाते तो जो वुड था उसमें से जो स्मोक निकल रहा था वो उसकी वजह से उसको कफिंग और खांसी होने लगती थी राइट तो इसीलिए फिर केरोसिन का इन्वेंट हुआ और फिर एलपीजी गैस का इन्वेंट हुआ जिसमें से ज्यादा स्मोक ना निकले और हमारी हेल्थ को इफेक्ट ना हो राइट There was a lot of smoke when dump wood was burned, right? So, वहाँ पे बहुत स्मोक था जब वुड को बर्न किया गया बट दुर्गा डिड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन राइट बट दुर्गा के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था है ना पर थोड़े साल के बाद वहाँ पे चिमनी लगने लग गई राइट गांव में भी ऐसे जो घर है उनके छत पे ऐसे चिमनी लगने लग गई ताकि नीचे अगर ऐसे वुड को जला जा रहा है राइट तो उसमें से जो धुआं निकल रहा है स्मोक निकल रहा है वो चिमनी के थ्रू घर के बाहर निकल जाए राइट ताकि घर में जो रह रहे हैं उनको नुकसान ना हो ओके देयर वाज अ लॉट ऑफ स्मोक व्हेन डैम वुड वाज बर्नड बट दुर्गा डिड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन व्हेन देयर इज नॉट इनफ मनी टू बाय फूड व्हेयर विल देयर बी अ मनी टू बाय फूड राइट लेकिन उनके पास तो इनफ मनी ही नहीं है राइट तो वो क्या करेंगे तो ये जो वुड है वो काट के लाते हैं उसको बेच के वो मनी लेके आते हैं और उससे वो फिर यूज करते हैं राइट तो अर्लियर अबाउट 2/3 पीपल इन आर कंट्री यूज काउ डंग के वुड एंड ड्राई ट्रीज राइट एटसेट्रा तो वो क्या करते थे पहले के जमाने में सपोज वुड ना मिले किसी को या अभी तो वुड भी बहुत महंगा हो गया है तो अगर किसी को ना मिले तो वो काऊ के जो डग है उसको यूज करते थे खाना बनाने के लिए ताकि वो नीचे उसको रख के उसको जलाएंगे और उसकी जो हीट है उसी से वो खाना पकाते थे देयर आर यूज्ड नॉट ओनली फॉर कुकिंग फूड बट ऑल्सो फीट कीपिंग वार्म राइट फॉर हीटिंग वाटर एंड फॉर लाइटिंग ओके और ऐसा नहीं है कि उसे सिर्फ खाना ही बन सकता है राइट गांव में बहुत ठंडी होती है तो उनके पास तो हीटर भी नहीं है राइट तो वो लोग क्या करते थे उसको जला के अपने घर में मतलब गर्मी पैदा करते थे ताकि उनको ज्यादा ठंडी ना लगे या सुबह अगर पानी बहुत ठंडा है तो उससे नहा नहीं सकते हैं तो उनके घरों में तो गीजर भी नहीं है राइट तो वो लोग ऐसे काऊ डंग यूज करके उसमें पानी गर्म करके फिर उससे नहाते थे ओके सो फॉर हीटिंग वाटर एंड फॉर लाइटिंग राइट पहले के जमाने में लाइट भी नहीं थे तो लाइट कहाँ से तो ऐसे जो काऊ डंग थे उसको जलाते थे तो उसका जो फ्लेम था उसी से वो लोग लाइट समझ लेते थे राइट और उसी से सारा काम खत्म कर देते थे ओके मेनी अदर थिंग्स आर यूज फॉर डोमेस्टिक एक्टिविटी एट होम such as kerosene, LPG, coal and electricity, etc. Right?
और फिर डोमेस्टिक एक्टिविटी के लिए बहुत सारी चीजें आने लगी, कैरोसिन, एलपीजी, कोल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। मैत्री हैड शो अ बार ग्राफ इन अ बुक। देखो आपकी बुक में ऐसा एक बार ग्राफ दिया है, राइट। द ग्राफ शो दैट द नंबर ऑफ हाउसेज आउट ऑफ 100 दैट यूज ईच टाइप ऑफ फ्यूअल, राइट। कुछ हाउसेज में वुड यूज होता है, कुछ हाउसेज में काउडंग यूज होता है, कुछ हाउसेज में कैरोसिन यूज होता है, कुछ हाउसेज में एलपीजी यूज होता है, राइट। तो मैत्री ने क्या बनाया, बार ग्राफ बनाया कि सपोज 100 में से 50 लोग एलपीजी यूज कर रहे हैं, राइट। जैसे कि अभी हमारे घरों में एलपीजी गैस है, सिलेंडर है, राइट। फिर कुछ लोग सपोज 30%, राइट, इसमें से 50 हो गया, 30 हो गया, राइट। 30% लोग कैरोसिन यूज कर रहे हैं, फिर बाकी 10% लोग क्या यूज कर रहे हैं, वुड, एंड 10% लोग काउ डंग यूज कर रहे हैं, राइट। तो ऐसा उसने बार ग्राफ बनाया, ओके। यहाँ पे हम परसेंटेज लिख सकते हैं 20, 30, 40, 50 ऐसा, राइट। तो 50 पे ये आएगा, यस, ओके। तो उसने क्या किया, बार ग्राफ बनाया और फिर दिखाया कि कितने लोग, कितने घरों में क्या क्या यूज हो रहा है, ओके। ऐसा उसने डेटा कलेक्ट किया। मैत्री हैड शोन द बार ग्राफ इन द बुक। द ग्राफ शो द नंबर ऑफ हाउसेज आउट ऑफ 100 दैट यूज ईच टाइप ऑफ फ्यूअल। इट ऑल्सो शोज द यूज ऑफ विच फ्यूअल हैज इंक्रीज्ड, राइट, विच फ्यूअल हैज डिक्रीज ओवर द पास्ट 20 years। और 20 साल पहले तो ऑब्वियसली वुड एंड काउ डंग यूज ज्यादा होते थे, राइट। अभी आप घरों में जाओ तो आपको पता चलेगा कि एलपीजी सिलेंडर या एलपीजी गैस की पाइपलाइन आ गई है, राइट, सब जगह, तो लोग वही यूज करते हैं, ओके। चलो, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया पेज नंबर 118 तक। अभी इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग लिखते हैं, ओके। फिर यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है कि ये जो बार ग्राफ है ना उसके ऊपर से आंसर लिखना है कि 1996 आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेज यूज्ड काउ डंग, तो आपको इसमें से देख के करना है, राइट। वो हम लोग करेंगे इसके बाद, पहले हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर तक हमने 6 क्वेश्चन तक लिखा था ना, अभी हम 7th क्वेश्चन उसका आंसर लिख रहे हैं, फिर हम लोग वो बार ग्राफ का करेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश। 7th क्वेश्चन लिखो, व्हाट मेक्स ऑल व्हीकल्स रन, सारे व्हीकल को रन करने के लिए मतलब चलने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, पेट्रोल, डीजल, राइट, सीएनजी, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अगर वो सीएनजी वाला है तो सीएनजी चाहिए। मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स रन ऑन पेट्रोल कॉमा डीजल और सीएनजी फुल स्टॉप। सम व्हीकल्स run on electricity while vehicles like bicycle and पैडल रिक्शा रन ड्यू टू मैन्युअल लेबर। कंप्लीट कर लो, उसके बाद एक क्वेश्चन एंड आंसर।
ओके आई होप आप सबने ये लिख लिया है। अभी आंसर एट लिखते हैं हम लोग, क्वेश्चन एट। Smoke, air pollution.
ऑल्सो डिक्रीज. ऑब्वियसली हम इंजन बंद कर देंगे राइट, तो उस जगह पे थोड़ा जो दो मिनट के लिए भी जितना भी एयर पोल्यूशन होने वाला होगा वो डिक्रीज हो जाएगा राइट, क्योंकि वो इंजन बंद है तो उसमें से स्मोक नहीं निकल रहा है. फोर, वैसे तो हमें गाड़ी का ऑलवेज मेंटेन करवाना चाहिए, सर्विस करवाना चाहिए ताकि उसका जो इंजन है उसमें से स्मोक ना निकले. अगर हमारे टू व्हीलर या फोर व्हीलर में से स्मोक निकल रहा है, अगर हमारे टू व्हीलर या फोर व्हीलर में से स्मोक निकल रहा है तो उसका मतलब उसका इंजन बिगड़ा हुआ है या फिर उसका इंजन है वो आउटडेटेड है राइट, और वो इट कैन कॉज योर व्हीकल, इट कैन कॉज योर व्हीकल वेरी डेंजर जोन राइट, और वो आपके व्हीकल को बहुत ही डेंजर जोन में पहुंचा सकता है ओके. या कभी कभी जो इंजन है उसमें बहुत नुकसान भी हो सकता है तो उसका आपके खर्चे भी बढ़ जाएंगे राइट. उससे बेटर है कि आपको टाइम टू टाइम सर्विस करवाना चाहिए, ऑयल चेंज करवाना चाहिए ओके. फिर नेक्स्ट फोर्थ है एनर्जी रिसोर्सेस कैन कंजर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंजर्व राइट. सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, रिसोर्सेज कंजर्व्ड होंगे राइट, बचेंगे ओके. क्या बचेगा? पेट्रोल और जो रिसोर्सेज से वो बनता है, जैसे कि प्लांट है, ह्यूमन बींग का एक्सक्रीटा है, उसी से तो पेट्रोल बनता है ना जमीन के नीचे. यार सालों लग जाते हैं राइट पेट्रोल बनने में, सोचो, और हमें वेस्ट करने में दो मिनट भी नहीं जाती है राइट. उसको बनने में मिलियन ऑफ ईयर लग जाते हैं और हम उसको वेस्ट करने में दो मिनट नहीं लगाते, ये सोचने जैसी चीज है ना. तो एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व राइट, तो जो एनर्जी रिसोर्सेज है वो बचेंगे ओके ओके. तो यहाँ पे हमने आंसर एक तक किया है, ये आपकी नोटबुक में कंप्लीट कर लो, फिर हम लोग 9 और 10 करेंगे. Okay.